नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। लेकिन आज सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को आज़ादी का महानायक कहा जाता है। उन्होंने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। खैर वो बात अलग है कि हमारे देश के कुछ दोगले नेताओं ने हमारे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है, और देश के किसी भी कोने में देखो ना तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा दिखाई देती है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं समुदाय के नाम पर, तो कहीं संगठन के नाम पर, तो कहीं पार्टी के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, तो कहीं भाषा के नाम पर। लेकिन हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। खैर उनका मानना यही रहा होगा कि जितना सम्मान हम देश के जवान का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें देश के किसानों का भी करना चाहिए। अगर जवान हमारी सुरक्षा करते हैं तो किसान भी खेत में फसल उगाते हैं, हमें भोजन देते हैं, इसलिए दोनों का सम्मान अपने अंदर बराबर रखना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, जब जवान मरता है तब उसके साथ बड़े बड़े अफसरों के काफिले चलते हैं, बंदूकों और तोपों से उसको सलामी दी जाती है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारियां सरकार उठाती है, उनको ढेर सारा मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर हमारा किसान मरता है, अगर आज हमारा किसान कर्ज के बोझ से लद कर चिंता करके प्रेशर में आके अगर आत्महत्या कर लेता है, तब भी उसका कर्ज माफ नहीं होता है, बल्कि बैंक वाले उनकी संपत्तियों की नीलामी करके अपना कर्ज पूरा कर लेते हैं, चुकता कर लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्त कि किसान घर का मुखिया होता है, और किसान के चले जाने के बाद परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, खाने में फिर वो कर्ज से डूब जाते हैं, जमीनें जो होती हैं वो भी बिक जाती हैं, क्योंकि उस परिवार का देखरेख करने के लिए सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। तो मेरा मानना यही है कि देश के बॉर्डर पर खड़े जवानों को जो सम्मान दिया जाता है, और मिलना भी चाहिए, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए गोलियां खाते हैं, लेकिन कम से कम इतना सा तो, कम से कम आधा सम्मान तो हमारे किसान को भी दे दिया जाए कि अगर कर्ज के बोझ से लदे किसान आत्महत्या कर लेता है तो कम से कम उसका कर्ज माफ कर दिया जाए, उसके परिवार की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार अपने जिम्मेदारी पर उठाए, ताकि आगे से उसके परिवार में कोई खुद को मौत के हवाले ना कर सके, मेरा ये मानना है। खैर आप लोग क्या चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन गांधी जयंती जी पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की इस पावन जयंती पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बीएल सचिवालय की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।